नमस्कार। आज मैं आपको साना साना हाथ जोड़ी पाठ की, जिसकी लेखिका मधुर कांकरिया है, इस पाठ की प्रतिपाद्य और सार बता रही हूँ। लेखिका इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहती है कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी हमें मिलती है। जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। लेखिका जब महानगरों की भाव शून्यता को देखती है, यानी महानगर के लोगों में भावनाएं खत्म होती जा रही हैं, तो वह किसी दूर स्थान पर यात्रा करने के लिए जाना चाहती है। उन्हीं यात्रा के अनुभव को उन्होंने अपने यात्रा वृतांत के शब्दबद्ध किया है। इस लेखक में भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। लेखिका गंगटोक शहर में तारों से भरे आसमान को देख रही थी। तारों से भरे आसमान में उसे ऐसा सम्मोहन दिखाई दिया कि वह उसमें खो जाती है और उसकी आत्मा भाव शून्य हो जाती है। वह मंद स्वर में नेपाली भाषा में सुबह की प्रार्थना करने लगती है। उन लोगों को सुबह युमथांग के लिए जाना था। यदि वहां का मौसम साफ हो तो गंगटोक से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। मौसम साफ होने के बावजूद भी आसमान में हल्के बादल थे, इसलिए लेखिका को कंचनजंगा पिछले साल की तरह दिखाई नहीं दी। जब वह पहले इसकी यात्रा पर आई थी तो उसे कंचनजंगा दिखाई दी थी, तो उसे दिखाई नहीं दी थी। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। उन लोगों के गाइड कम ड्राइवर का नाम जितेन नारगे था। जितेन नारगे जब जीप चला रहा था उस रास्ते पर, तो युमथांग का रास्ता घाटियों और फूलों से भरा हुआ लेखिका को दिखाई दिया। रास्ते में उन्हें एक जगह सफ़ेद बौद्ध पताकाएं भी दिखी। सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति का प्रतीक थी, अहिंसा का प्रतीक थी। जितेन नारगे ने बताया कि जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो किसी भी पवित्र स्थल पर ये सफ़ेद पताकाएं लगाई जाती हैं। जितेन नारगे की जीप ने भी दलाई लामा की फ़ोटो को लगा रखा था। जितेन ने बताया कि कभी लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। उन लोगों ने रास्ते में एक ऐसा घूमता हुआ चक्र देखा जिसे धर्म चक्र कहा जाता है। वहां रहने वाले लोगों का विश्वास था कि उसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। चक्र को घुमाने से सभी पाप धुल जाते हैं। लेखिका को ऐसा लगता है कि सभी जगह आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य एक जैसे हैं। पूरे हमारे देश में आस्था, विश्वास और पाप पुण्य सभी कैसे हैं? एक जैसे हैं। सभी स्थानों पर एक जैसे ही लोग मानने वाले हैं। अंधविश्वास हैं उनके, कुछ आस्थाएं हैं, कुछ उनका विश्वास है और कुछ अंधविश्वास भी हैं, जो सारे देश में उन्हें एक जैसा लगा। उन्होंने कई जगहों की यात्रा की तो उन्हें लगता है कि ये सभी जगह एक जैसा ही है। जैसे जैसे वो पहाड़ों पर ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें बाजार दिखे। लोग और बस्तियां जो थे सब धीरे धीरे अब क्या होते जा रहे थे? ओझल होते जा रहे थे, क्योंकि जैसे ऊपर जा रहे थे तो बस्तियां कम होती जा रही थी। घाटियों में देखने पर सब कुछ उन्हें धुंधला हुआ दिखाई दे रहा था। बादल छाए हुए थे, बादल पहाड़ियों से नीचे दिखाई दे रहे थे। पहाड़ियों ने विराट रूप धारण कर लिया था। अब पहाड़ियाँ कैसी हो गई थी? बड़ी हो गई थी। पास से उसका कुछ वैभव अलग ही दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे रास्ता अधिक घुमावदार होने लगा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी हरियाली वाली गुफा के बीच में से गुजर रहे हों। सब यात्रियों पर वहां के हसीन मौसम का असर हो रहा था। लेखिका अपने आसपास के दृश्यों को चुप रह करके अपने भीतर कवर कर लेना चाह रही थी, समा लेना चाहती थी। सिलीगुड़ी के साथ चल रही तिश्ता नदी
एक उन्हें नदी दिखाई दी जो तिश्ता नाम से नदी है। उसका सौंदर्य आगे बढ़ने पर और अधिक निखर गया था। वह उस नदी को देखकर रोमांचित हो रही थी, यानी उसे बहुत अच्छा लग रहा था, रोमांच का अनुभव उसे हो रहा था और वह मन ही मन हिमालय को सलामी देती है। एक स्थान आता है वहां पर सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, एक वाटरफॉल है जिसका नाम है सेवन सिस्टर्स। वहां पर उनकी जीप रुकती है और सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। लेखिका आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी की तरह, यानी लेखिका अपने आप को कैसा महसूस कर रही है, अभिशप्त राजकुमारी जैसा, जैसे उसको कोई शाप लग गया हो, और वह बहता हुआ संगीत सुनने में अपने आप को लीन कर लेती है। अब उसकी आत्मा जो है उसमें डूब जाती है संगीत को सुनने में। उन्हें लगता है जैसे सत्य और सौंदर्य को छू लिया हो। झरने का पानी उनमें एक नई शक्ति का एहसास भर रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनके अंदर की सारी कुटिलता और बुरी इच्छाएं पानी की धारा के साथ बह गई हैं। वे वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। उनका मन उस स्थान पर रम गया था, रमणीक स्थान था इसलिए मन वहां पर रम गया था। लेकिन जितेन ने कहा, इससे आगे चलेंगे तो दृश्य और भी सुंदर होंगे। जितेन ने क्या कहा कि इससे आगे चलेंगे तो दृश्य और भी सुंदर होंगे, तो आप यहाँ से थोड़ा जल्दी चलिए तो हम अन्य स्थान भी देख लेंगे। माया और छाया का अनूठा खेल लेखिका को दिखाई दे रहा था और उसे उसका रहस्य समझ में नहीं आ रहा था। पूरा वातावरण प्राकृतिक रहस्यों से भरा हुआ था और सबके सब रोमांचित हो रहे थे। थोड़ी देर के लिए जीप रुकी। जहाँ पर जीप रुकी वहाँ क्या लिखा था, थिंक ग्रीन, यानी हरियाली के बारे में सोचें। और ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य वहाँ पर दिखाई दिया। सभी कुछ एक साथ सामने था, बहते झरने, बहती नदी, पूरी वेग के साथ तीस्ता नदी बह रही है। सामने धुंध दिखाई दे रही है, ऊपर आसमान में बादल तैर रहे हैं और हवा धीरे धीरे चल रही है। वे आस पास के वातावरण में खिले हुए फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। उस प्राकृतिक वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारा अपना अस्तित्व भी समाप्त हो गया है। ऐसा सौंदर्य जीवन में पहली बार देखा था। लेखिका को लग रहा था कि उसका अंदर बाहर सब एक हो गया था। उसकी आत्मा ईश्वर के निकट पहुंच गई हुई सी लगती थी। उसके मुंह से सुबह की प्रार्थना के बोल निकल रहे थे। अचानक लेखिका का इंद्रजाल टूट गया। उसने देखा कि अद्वितीय सौंदर्य के मध्य कुछ स्त्रियां पत्थर तोड़ रही हैं। इससे वो जो एक सुंदरता के जाल से बाहर आ जाती है और उसे एकदम से धक्का लगता है कि किस प्रकार से औरतें बच्चों को पीठ पर बांध करके और काम कर रही हैं, पत्थर तोड़ रही हैं। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य को लेखिका ने सहमा दिया। मौत कैसे? वहाँ इतने दुर्गम रास्तों में जब महिलाएं बच्चों को पीठ पर लाद कर पत्थर तोड़ रही हैं तो उसे मौत का दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा था कि मातृत्व और श्रम साधना दोनों एक साथ की जा रही हैं। एक कर्मचारी ने बताया कि यह पहाड़ी ने मौत की परवाह भी नहीं करती और हम सबके लिए रास्ते बनाए जाते हैं, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ा दिया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो यह जानलेवा हादसा हो सकता है। उन लोगों की स्थिति देखकर लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक जैसी है। मजदूरों के जीवन में आंसू, अभाव, यातना और अपना अस्तित्व बनाए रखने की जद्दोजहद चलती रहती है। लेखिका की सहयात्री है मणि, जो उसके साथ यात्रा कर रही है, और जितेन उसे गमगीन देखकर कहते हैं कि यह देश की आम जनता है, इसे वे लोग कहीं भी देख सकते हैं। लेखिका चुपचाप सुनती रहती है और मन ही मन सोचती है कि लोग अपना
कितना कुछ खो देते हैं समाज को बनाने के लिए, और कठिन परिस्थितियों में भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं। वे वहां से आगे चलते हैं तो उन्हें रास्ते में पहाड़ी बच्चे मिलते हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ करके पढ़ाई करने जाते हैं। यहाँ आसपास 1 या 2 स्कूल हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम भी करते हैं और स्कूल भी जाते हैं। यहाँ का जीवन उन्हें बहुत कठोर दिखाई दिया। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती जा रही थी, खतरे बढ़ते ही जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। जगह जगह सरकार की चेतावनियों के बोर्ड लगे हुए थे कि गाड़ी धीरे चलाएं। सूरज चलने पर पहाड़ी औरतें और बच्चे गाय चरा कर घर लौट रहे थे। कुछ के सिर पर लकड़ियों के गट्ठर थे। लकड़ियां ढोने के लिए गट्ठर ईंधन के रूप में जब वो प्रयोग करेंगे लकड़ियों को, तो सिर पर रख करके लकड़ियां लेकर के आते हैं। सूरज ढलने पर पहाड़ी औरतें और बच्चे गाय चरा करके वापस जब आते हैं तो उस समय का दृश्य लेखिका ने इसमें बताया है। शाम के समय जीप चाय के बागानों से गुजरी। बागान में कुछ युवतियाँ सिक्किमी कपड़े ड्रेस पहन करके चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी और उनके चेहरे पर शाम का सूर्य जो है उसकी रोशनी दमक रही थी। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रही थी और लेखिका इतना प्राकृतिक सौंदर्य देखकर खुशी से चीख रही थी। युमथांग पहुँचने से पहले वे लोग लायुंग में रुके। लायुंग में लकड़ी से बने बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतार कर तीस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। उस वातावरण में अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपनी लय ताल और गति में कुछ कह रही हो। इस सफर में लेखिका दार्शनिक बन गई थी, यानी वह बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया था। लेखिका की सहयात्री मणि ने भी बहुत सुंदर नृत्य किया। वे लोग समुद्र तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गई थी और कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती थी। उसने बताया कि आप कटाव चले जाएंगे तो कटाव जो है वहाँ पर आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट बनाया नहीं गया था, इसलिए वह अब तक अपने प्राकृतिक रूप में था। लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता बहुत खतरनाक था, लेकिन जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। वहां का सारा वातावरण बादलों से घिरा हुआ था। जरा सी असावधानी होने पर बड़ी घटना घट सकती थी। थोड़ी दूर जाने पर मौसम साफ हो गया। मणि कहने लगी कि यह तो स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाव दिखने लगा था। चारों ओर बर्फ से भरे हुए पहाड़ दिखाई दे रहे थे। जितेन कहने लगा कि यह बर्फ तो रात को ही पड़ी है। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे चारों ओर चांदी फैली हो। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। बर्फ को देखकर सभी झूमने लगे थे। लेखिका का मन बर्फ पर चलने को हो रहा था, लेकिन उसके पास बर्फ में पहनने वाले जूते वो लेकर के नहीं गई थी। सभी सहयात्री उस वातावरण में फोटो खिंचवाने में मग्न थे, लेकिन वह फोटो खिंचवाना नहीं चाहती थी क्योंकि वह तो सारे वातावरण को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण में ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। ऐसा असीम सौंदर्य यदि कोई अपराधी भी देख ले तो भी वह अपराध करना भूल जाएगा। मणि के मन में दार्शनिकता फिर से आने लगी थी। ये हिमशिखर पूरे एशिया को पानी देते हैं। प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघल करके जलधारा बनके हम लोगों की प्यास बुझाती हैं। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर ऋण है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी। फौजी कड़कड़ाती ठंड में अपने को कष्ट दे करके हमारे देश की रक्षा करते हैं। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो जाती है। वैशाख के महीने में भी वहाँ बहुत ठंड थी।
तो पौष और माघ में कैसी होती होगी, यानी दिसंबर में कैसी ठंड होती होगी। वहां जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। वास्तव में ये फौजी आज के सुख का त्याग करके हमारे लिए शांतिपूर्ण कल का निर्माण करते हैं। वे लोग वहां से वापस लौट आए थे। युमथांग की पूरी घाटी प्रियता और रोडेनड्रोंडों के फूलों से खिली हुई थी। जीते ने रास्ते में बताया कि यहाँ बंदर का मांस खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। उसने आगे बताया कि यहाँ तो कुत्ते का मांस भी खाया जाता है। सभी को जितेन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लेखिका को लगा कि वह सच बोल रहा है। उसने पठारी इलाकों की भयंकर गरीबी देखी है। लोगों को सुअर का दूध पीते देखा था। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वहाँ सब फीका फीका लग रहा था। वहाँ के लोग स्वयं को प्रदेश के नाम से नहीं बल्कि भारतीय के नाम से पुकारा जाना पसंद करते थे। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। लौटते हुए जितेन ने कई और महत्वपूर्ण जानकारियां उन लोगों को दी। रास्ते में उसने एक जगह दिखाई। उसके बारे में बताया कि यहाँ पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है। जो वहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, इसलिए पहाड़ी लोग कभी भी वहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते हैं। वे लोग गंतोक को गंतोक कह करके बुलाते हैं। गंतोक का अर्थ है पहाड़। सिक्किम में अधिकतर क्षेत्रों को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। लेखिका को लगता है कि मनुष्य की कभी ना समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है।